हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपने बयानों के लिए कुख्यात ओवैसी की पार्टी के नेता भी उन्हीं की जुबान बोलते हैं। एमआईएम के नेता हैं वारिस पठान। जहरीली जुबान में ये ओवैसी के ही वारिस साबित भी हुए हैं। ओवैसी के नेता के जहरीले बोल तो सुनिए। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने 100 करोड़ पर 15 करोड़ के भारी पड़ने वाला ये भड़काऊ बयान 15 फरवरी को दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में मुस्लिम समाज का सम्मेलन चल रहा था और उसी में वारिस ने ये विवादित बयान दे डाला। भीड़ का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में रोड पर 2 महीने से धरना चल रहा है और उनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। इन्हीं बातों का जिक्र वारिस पठान ने अपने बयान में किया है। आज जब ये बयान वायरल हुआ तो उन्होंने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा है। माफी मांगेंगे लोग, कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है। आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है। बीजेपी हमको अलग करना चाहती है, हम ये बता रहे। देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। हालांकि बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वारिस पठान को बीजेपी का सहयोगी बताते हुए हमला किया। लिखा, हमारी सांझी विरासत और सांझी शहादत की बदौलत हम सांझी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के लाख चाहने के बावजूद भी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, तो कट्टरपंथी बीजेपी ने अब अपने सहयोगी कट्टरपंथी लोगों को आगे किया है। संविधान प्रिय और न्याय प्रिय लोग ऐसे जहरीले लोगों का बहिष्कार करें। असल में वारिस पठान ने विवादित बयान गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए दिया था। कलबुर्गी की रैली में गिरिराज का नाम तो वारिस पठान ने नहीं लिया, लेकिन बिहार का जिक्र करते हुए विवादित बात जुबान से निकली। इसी तरह का बेवकूफ इंसान बिहार के अंदर बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है और रोज एक बात बोलता है, और मैं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्पोक्स पर्सन बराबर जवाब दे रहे होंगे। बोलता हमारे मदरसों में से आतंकवादी पैदा होते। अरे झूठे, मैं बताता हूँ आतंकवादी कहाँ से होता है। वारिस पठान मुंबई में एमआईएम के विधायक रह चुके हैं। असल में बिहार में साल के अंत में चुनाव है और माहौल देखिए, अभी से ही बिहार के चुनाव का बनने लगा है और इस तरह के बयानों से चुनावी माहौल को गर्माने की कोशिश हो रही है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।